हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए बहुत ही टेस्टी बिल्कुल हलवाई जैसा बेसन के हलवा की रेसिपी लेके आए हैं, जो बनाएंगे बिल्कुल अलग तरीके से और घर के ही सामान से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनाएंगे, ना हमने इसमें मिल्क पाउडर का यूज़ किया है और ना ही खोआ। बहुत ही कम सामान से और बहुत ही टेस्टी बनता है। रेसिपी को पूरा देखना, हलवा आपको बहुत पसंद आएगा। कम से कम घी में बनाएंगे। मैंने 3 चम्मच घी लिया है। कम घी में इतना टेस्टी हलवा कैसे बनता है, वो रेसिपी को पूरा देखना। बेसन लिया है 75 ग्राम बेसन है ये। इसको इसमें डाल के लो फ्लेम पे हमने इसको रोस्ट करना है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना, फुल बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो ये जल जाएगा। और बेसन बहुत जल्दी जल जाता है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। अभी आपको सूखा लग रहा होगा, पर हम इसको इसी तरह से प्रेस करते हुए भूनेंगे। अब इसमें मैंने लिया 2 चम्मच सूजी। सूजी हलवे को दानेदार टेक्सचर देगी, जो आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अच्छे से मिक्स करके इसको इतना अच्छे से भूनेंगे कि ये मुँह में ना चिपके। लो फ्लेम पे ही सेकना है। चाशनी नहीं बनानी, पानी को सिर्फ गर्म करना है। उसी कटोरी से 2 कटोरी मैंने पानी लिया है, वे इलायची डाल दी फ्लेवर के लिए। और इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे 1 पिंच, ये ऑप्शनल है। इससे सिर्फ कलर अच्छा आता है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छे से हमने बेसन को भूनना है, लो फ्लेम पे ही भूनना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें। बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। इसमें लिए मैंने मलाई, 4 चम्मच मलाई लिए। मलाई फ्रेश है। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते तो आप इसमें खोया भी ले सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। पर इस तरह जब हम इसमें मलाई डाल के भूनेंगे ना, तो इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल दानेदार। मलाई से ही इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मीठे के लिए मैंने इसमें गुड़ का जो चूरा होता है वो लिया है। शक्कर बोलते हैं हम इसको, आप इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसके साथ भी इसको 1 मिनट भूनेंगे। जब मीठे को इस तरह से बेसन के साथ भूनेंगे ना, तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। कैरमल जैसा थोड़ा टेस्ट आता है आपको, और बहुत ही टेस्टी लगता है। अब जो हमने पानी गर्म किया था वो इसमें डाल देंगे। पानी हमने इसमें गर्म ही डालना है, ठंडा नहीं डालना। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, ताकि जो बेसन है उसको फूलने का थोड़ा टाइम मिले। अगर आपने फूल किया तो वो बहुत ही जल्दी से पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा और आपको टेक्सचर परफेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए बोलती हूँ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो देखने से ही पता चल जाता है। अच्छे से इसको मिक्स करते हुए जब तक हम इसको पकाएंगे, जब तक ये पैन को छोड़ने ना लग जाए। लो फ्लेम पे ही भूनना है। तले से चलाते रहेंगे, इसको फैलाएंगे और इकट्ठा करते जाएंगे, ताकि ये अच्छे से इसका टेक्सचर आपको मिले, बिल्कुल दानेदार। एक बार आप बनाएंगे ना, तो आप इसके फैन हो जाएंगे। मूंग दाल के हलवे को भी फील करता है ये हलवा, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। अब जो 1 चम्मच घी बचा हुआ था वो भी इसमें ले लेते हैं। कम से कम घी में टेस्टी हलवा हमने तैयार किया है। ये देखिए, इस तरह जो बाद में 1 चम्मच घी डालते हैं ना, उससे इसमें चमक आ जाती है घी में। बिल्कुल इसने पैन को छोड़ दिया है, हलवा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। देखिए बिल्कुल दानेदार इसका टेक्सचर है, बिल्कुल भी ये चिपचिपा नहीं है और बहुत ही टेस्टी बना है। टेक्सचर भी बहुत अच्छा है इसका। तो इसी तरह की आसान रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें प्लीज़। और बनाने के बाद अपने कमेंट ज़रूर शेयर करना कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट इसके ऊपर गार्निश कर दिए हैं। देखिए मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। टेक्सचर देखिए इसका, बिल्कुल ये कहीं भी नहीं चिपक रहा है, इतनी आसानी से छोड़ रहा है सब बर्तन को। और घी भी अब ये छोड़ने लग गया है, जैसे ये रखेंगे ना और इसको गर्म करेंगे तो ये पूरा घी छोड़ देता है। देखिए बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई करें और अपने कमेंट ज़रूर शेयर करना कि कैसे बने। कहीं भी आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ और अगली बढ़िया सी रेसिपी में, जब तक के लिए बाय।